नमस्कार दोस्तों, पौधे लगाने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन सॉइल मिक्स या पॉटिंग मिक्स का होना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में पॉटिंग मिक्स की कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसका समुचित लाभ लें, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आजकल हम अपने गार्डनिंग के लिए अर्थ सॉइल या गार्डन सॉइल की जगह कोकोपीट का यूज करने लगे हैं। सॉइल के रूप में कोकोपीट यूज करने के कई सारे फायदे हैं। इसके अपने खास एडवांटेज हैं। यह कॉम्पैक्ट नहीं होता, जिससे यह मिट्टी की तरह हार्ड नहीं होता। कोकोपीट यूज करने से पानी की खपत काफ़ी कम होती है, यह पानी की बचत भी करता है। इसके अंदर हवा का प्रवाह रहता है और प्रॉपर एरेशन रूट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। कोकोपीट बेस्ट है किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग, बालकनी गार्डनिंग और हाइड्रोपोनिक्स गार्डनिंग के लिए। और एक खास बात, कोकोपीट में सीड्स जर्मिनेशन काफ़ी बेहतर होता है, लगभग 100% ग्रोथ रेट है। आइए जानते हैं कि कोकोपीट से कैसे एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स बनाते हैं। कोकोपीट से पॉटिंग मिक्स बनाने के कई सारे तरीके हैं, यहाँ मैं आपको कुछ खास तरीका बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कोकोपीट से पॉटिंग मिक्स बनाने के पहले हमें कुछ खास जानकारियों का होना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप गार्डनिंग चैनल पर हाउ टू मेक कोकोपीट फ्रॉम कोको ब्रिक्स जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कोकोपीट से पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोपीट। कोकोपीट को यूज करने के पहले आप इसे धूप में जरूर सुखा लें। दूसरा, बर्मी कंपोस्ट या गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका हो, आप इसे भी यूज करने के पहले धूप में सुखा लें। तीसरा, हमें नीम खली या नीम पाउडर चाहिए। दोस्तों, आप जब भी नीम खली या नीम पाउडर खरीदें, किसी अच्छे दुकान या अच्छी नर्सरी से ही खरीदें। इसके बाद हमें चाहिए एक अच्छा सा फंगिसाइड्स। बाजार में बहुत सारे फंगिसाइड्स उपलब्ध हैं। मैं अक्सर हाँ यही दो तरह के फंगिसाइड्स यूज करता हूँ। आप अपने आसपास के नर्सरी वाले से पूछकर कोई अच्छा फंगिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। यदि आपने कोकोपीट को अच्छे से वाश किया है, आपके पास एक अच्छा बर्मी कंपोस्ट है और नीम खली है, तो आप चाहें तो फंगिसाइड्स का यूज नहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी पॉटिंग मिक्स बनाएं, तो उस पॉटिंग मिक्स में जो भी चीज़ डालें बिल्कुल सही अनुपात में डालें। तो मैं आज इस कोकोपीट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए इस कटोरे से 4 कटोरा कोकोपीट ले रहा हूं। अनुपात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर उतनी ही मात्रा में बर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं। मेरे पास बर्मी कंपोस्ट है, आप इसकी जगह गोबर की खाद ले सकते हैं। यदि आपके पास लीप मोल्ड कंपोस्ट है या किचन वेस्ट कंपोस्ट है, तो आप उसे ही यूज करें। डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि किचन वेस्ट से कैसे हम एक बेहतरीन कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और दोनों बराबर मात्रा में लेने के बाद इसमें आप नीम की खली डालें। नीम की खली या नीम पाउडर लगभग 5% आप डालें। यदि आप कुछ ज़्यादा भी डाल देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 5% ही डालें। इसके बाद इसमें आप थोड़ा सा फंगिसाइड्स मिला दें। फंगिसाइड्स मिला लेने से अच्छा ही रहता है। और इसके बाद आप इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लें, ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेना चाहिए। यदि आपके पास इसकी मात्रा ज़्यादा है तो आप कुदाल वगैरह से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट से जब हम पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं तो यह काफ़ी हल्का होता है, तो कुदाल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाथ से ही काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है और उससे पता भी चलता है कि मिक्स बेहतर हुआ है या नहीं। इस पॉटिंग मिक्स को ग्रो बैग या गमले में यूं ही नहीं भरा जाता,
इसे ग्रो बैग में भरने के खास तरीके हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप कोई भी ग्रो बैग या पॉट ले सकते हैं। आप देख रहे हैं इस ब्लू पॉट में कोकोपीट पॉटिंग मिक्स तैयार है और यह प्लेन कोकोपीट है। तो ग्रो बैग या पॉट में सबसे पहले प्लेन कोकोपीट डालें, लगभग 25-30% डालना चाहिए और इसके अपने फायदे हैं। जब हम कोई न्यूट्रिशंस प्लांट्स को देते हैं तो वह नीचे की ओर जाता है और यह प्लेन कोकोपीट उसका कुछ हिस्सा अपने में एब्जॉर्ब करके रख लेता है। प्लेन या सादा कोकोपीट डालने के बाद आप इस कोकोपीट पॉटिंग मिक्स को ग्रो बैग या पॉट्स में भर लें। इस कोकोपीट पॉटिंग सॉइल में आप छोटे प्लांट्स लाइक टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्च, मटर, बैंगन, गाजर, मूली, आलू, धनिया, मेथी, पालक इत्यादि कई तरह के सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं। इस पॉटिंग मिक्स में आप सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स और बल्बस प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जैसे पिटूनिया, कार्नेशन, डायंथस, क्लैंडुला, जरबेरा, क्लैंचू, गेंदा इत्यादि कई तरह के फूलों और परमानेंट प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, कोकोपीट पॉटिंग मिक्स पर कुछ और विशेष जानकारियों के साथ बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर आऊँगा। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, अपने विचार जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में या हमें मेल भी कर सकते हैं। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।